साथियों स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही के अंदर का एक कोर्ट का प्रकरण है, कोर्ट का प्रकरण, टेट पास शिक्षा मित्र और उनका स्थायीकरण, ये सब कुछ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं बीएड के अभ्यर्थियों से भी कनेक्टेड है। दरअसल ये बातें काफ़ी ज़्यादा घुमावदार भले ही हो जाती हैं, लेकिन ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। फिलहाल सारी जानकारियाँ प्रॉपर तरीके से आपके बीच में साझा करेंगे। साथियों से अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तत्काल ही से सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब ये अपडेट आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप देखेंगे बीएड डिग्री धारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षा मित्र। आखिर ये पहुंचे क्यों हैं, इससे लाभ क्या होगा, यहाँ पर देखें। कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षक भर्ती से बीएड डिग्री धारकों को शामिल करने की राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना पिछले 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद नए सिरे से कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। एनसीटीई के अधिसूचना के आधार पर उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत चयनित बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की मांग को लेकर शिक्षा मित्रों ने सर्वोच्च न्यायालय में 304 पेज की याचिका दायर की है। शिक्षा मित्रों का तर्क है कि वह प्राथमिक स्तर की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी पास हैं। वह 69,000 भर्ती के लिए 2019 में आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45% अंक या अधिक प्राप्त करने वाले 32,629 अभ्यर्थियों में शामिल थे, लेकिन बीएड डिग्री धारकों के 69,000 भर्ती में शामिल होने के कारण शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या और कटाव बढ़ने के कारण उनका चयन नहीं हो सका। अब चूंकि एनसीटीई की अधिसूचना खारिज हो चुकी है, इसलिए उसके आधार पर बीएड डिग्री धारकों का चयन स्वतः अर्थहीन हो गया है, जिसको लेकर के यहाँ पर जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं वो सभी कोर्ट में गए हैं। फिलहाल के लिए ये मामला कोर्ट में गया है तो काफ़ी ज़्यादा पेचीदा होने वाला है, हो सकता है ये काफ़ी लंबे समय तक भी चले। फिलहाल के लिए जैसे को तैसा और यहाँ पर भी ऐसा निर्णय होना भी चाहिए। फिलहाल के लिए इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर बताएं। जय हिंद।